उदाहरण 28, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 धन वर्गमूल 7 कोष्टक में व दूसरे कोष्टक में 2 ऋण वर्गमूल 7 हैं। हल, मूल ज्ञात होने पर बनने वाले द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास सूत्र है x की घात 2 ऋण मूलों का योग कोष्टक में गुणा x धन मूलों का गुणनफल, बराबर 0 या x की घात 2 ऋण। हमारे पास जो 2 मूल दिए हुए हैं प्रश्न में, पहला मूल है 2 धन वर्गमूल 7 पहला मूल, उसी तरह से दूसरा मूल जो है वो है 2 ऋण वर्गमूल 7, इसका योग है तो धन और कोष्टक में रखेंगे और कोष्टक के बाहर x धन मूलों का गुणनफल। पहला मूल है 2 धन वर्गमूल 7, इसे कोष्टक में रखेंगे। दूसरा मूल है 2 ऋण वर्गमूल 7 बराबर 0 या x की घात 2 ऋण वर्गमूल 7 और ऋण वर्गमूल 7 कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा 2 धन 2 4। तो इस तरह से हमें 4 और बाहर में है कोष्टक के x, तो 4x और धन, चूंकि हम जानते हैं कि 2 धन वर्गमूल 7 और 2 ऋण वर्गमूल 7 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 ऋण वर्गमूल 7। यहाँ पे हमने सर्वसमिका लगाया है a धन b a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर 2 का घात 2 बराबर 4 ऋण वर्गमूल 7 की घात 2 बराबर 7 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके स्थान पर कोष्टक में 2 धन वर्गमूल 7 और 2 ऋण वर्गमूल 7 की जगह हम लिख सकते हैं 4 ऋण 7 बराबर 0 या x की घात 2 ऋण 4x और 4 ऋण 7 जो होगा वो हमारा ऋण 3 प्राप्त होगा, तो ऋण 3 बराबर 0। इस तरह से हमने द्विघात समीकरण ज्ञात किया दिए गए 2 मूलों से, जो कि दिए गए 2 मूल था हमारा 2 धन वर्गमूल 7 और दूसरा मूल था 2 ऋण वर्गमूल 7। इससे हमने समीकरण ज्ञात किया x की घात 2 ऋण 4x ऋण 3 बराबर 0। यह इस उदाहरण का हल होगा।